बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। पहले दो लेक्चर्स जो हमने देखे उसमें हमने बात की कि मैनेजर्स क्या करते हैं, व्हाट मैनेजर्स बेसिकली डू, और उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा। ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर में थोड़ा सा रिविजन को देखते हैं, हल्का सा ग्लिम्प्स लेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो चैप्टर वन, दैट इज नेम्ड एज मैनेजर्स इन द वर्क प्लेस। So, यहाँ पर अगर हम इसी चीज को कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो देखना ये पड़ता है कि व्हाई आर मैनेजर्स इम्पॉर्टेंट। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स नजर आते हैं जिसको एक ग्लिम्प्स के तौर पे देखते हैं। वी वोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पहला एस्पेक्ट जो हमें नजर आता है कि किसी भी मैनेजर के लिए क्यों जरूरी है मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना, क्योंकि वो इंस्पायर कर सकता है। मैनेजर्स आपको इंस्पायर करते हैं इफ़ दे आर मोर प्रोफेशनल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आगे लेकर बात चलते हैं तो एनर्जाइज यू एंड योर को वर्कर्स टू कॉम्प्लिश द थिंग्स टुगेदर दैट यू कुडंट डू बाय योरसेल्फ। सो मैनेजर्स एक ऐसा पर्सन होता है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता है और आपको सपोर्ट करता है वो तमाम चीज़ें करने में जो शायद आप अकेले ना कर सकें। फिर इसके अलावा वो कोचिंग प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आपको अपने काम के ऊपर फीडबैक देता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो और कितना अच्छा करने की गुंजाइश है। आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सपोर्ट कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्म रखता है अबाउट द डिफरेंट चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई तब्दीली आती है आपको काम करने में उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करना पड़ता है, तो वो चीज़ें गाइड करता है कौन, मैनेजर। और लास्ट एस्पेक्ट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज अ मैनेजर चेंज योर लाइफ। देर इज़ अ ओल्ड वाइज सेइंग एंड ही स्टेट्स दैट कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो वर्क विद अ मैनेजर, अ ट्रू मैनेजर। और अगर आपको अपनी लाइफ में पहला मैनेजर अच्छा मिलता है तो आप अपने होल करियर को डेफिनेटली देख सकते हैं। सो ये तो एक जनरल सी कुछ बात हमारे सामने आती है। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हु इज़ अ मैनेजर। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, सम वन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी accomplished। हमने मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो द मैनेजर इज द वन हु परफॉर्म्स अल्टीमेटली दीज फंक्शंस। लाइक मैनेजर इज अ पर्सन हु बेसिकली डू व्हाट, प्लान, हु कैन ऑर्गेनाइज, हु कैन लीड एंड कंट्रोल। तो दूसरी डेफिनेशन ये बड़ी हमें जो मिलती है कि कोई एक ऐसा शख्स जो कोऑर्डिनेट करता है, ओवरसी करता है दूसरे लोगों के काम को ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैनेजर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गेटिंग द जॉब डन थ्रू एंड विद पीपल। सो ये एक और डेफिनेशन भी हमें मिलती हुई नज़र आती है। और हमें मैनेजमेंट को जानना, मैनेजर्स को समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें मैनेजर्स को और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज को। ये इतना सिंपल भी नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क आपको नज़र आता है तो एक ब्लर्ड विजन आपको नज़र आता है मैनेजर्स और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज में। सो ट्रेडिशनल मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो तमाम जॉब्स जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज रखती हैं, इसको अगर मैं कहता हूँ जब एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है ओवरसीइंग हिज एंड अदर्स वर्क, तो वो कौन है, वो मैनेजर है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं एक शख्स, एक आपके लिए छोटा सा हायरार्की सी क्रिएट करता हूँ। ये ए पर्सन है और ये ए पर्सन अपने काम का रिस्पॉन्सिबल है, ये बी है, ये सी, डी, ई और एफ। सो इन तमाम लोगों से इस काम के बारे में पूछा जाएगा, ये जो मैंने अभी आपके लिए डब्बे से बना दिए। तो क्या तब सवाल ये बनता है कि क्या ए, बी, सी, डी और एफ पर्सन में से कोई भी मैनेजर है? द बेसिक आंसर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में ये आता है कि नहीं, ये ए मैनेजर नहीं है, बिकॉज ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन वर्क। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जी पर्सन ले आता हूँ। सो ए जी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, पहली चीज आ गई। और उसका दूसरा काम क्या है,
कि वो ओवरसी करे ए बी सी डी ई और एफ के सारे कामों को भी। उसका मतलब है वो अपने काम का भी रिस्पॉन्सिबल है और ए बी सी डी ई और एफ पर्सन के काम का भी वो रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज वेयर दिस पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजर। सो इसी को कंक्लूड करते हैं कि सो मैनेजर इज समवन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड। सो अगर हम देखें तो मैनेजर की जॉब सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती, इट इज अबाउट हेल्पिंग द अदर्स डू देयर वर्क एज वेल। सो यही डिफरेंस मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करने की भी कोशिश की है। अब हमारे पास मैनेजरियल के ना डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ये CEO है, ये HR मैनेजर है, ये ऑपरेशंस का मैनेजर है, ये फील्ड मैनेजर है, ये रीजनल मैनेजर है। ये देखिए, अब आपको हर एक के साथ मैनेजर का लफ्ज तो मिल रहा है, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि यार ये मैनेजर सारे ही मैनेजर हैं, तो किस मैनेजर को हम किस लेवल पे रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऐसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, टॉप लेवल है, मिडिल है, फर्स्ट लाइन है। इसको अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करना चाहें तो ये अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और उसके बाद उसमें फर्दर हायरार्की में नीचे से नीचे हम जाते जाते हैं, तो आपको फर्स्ट करते हैं ये मैनेजर्स उनसे ये टॉप लेवल हैं और ये मिडिल लेवल हैं और ये लोअर लेवल मैनेजर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये एक डिस्टिंक्शन बनती है। जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे जाएंगे इसको और भी क्लियर करते जाएंगे। सो बुनियादी तौर पर हम मैनेजमेंट को डिफरेंट लेवल्स में बनाते हैं। पहला लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है, इसको हम कहते हैं टॉप मैनेजर्स। ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में टॉप के ऊपर होते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो कि ज्यादा फैसले करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इनके अंदर ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे इन वन सेंस। यानी जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल इनके अंदर होता है। जस्ट देन हमें नजर आता है कि मिडिल मैनेजर्स। अब टॉप मैनेजर्स जिनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कौन कहला रहे हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजर्स कहलाते हैं। और देन मिडिल लेवल मैनेजर्स काम पूरा करने के लिए जिनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कौन हो गए, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए। और इसके बाद आपके पास वो एम्प्लॉइज आते हैं जो सिर्फ अपने काम के रिस्पॉन्सिबल हैं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज, या इनको हम ऑपरेटिव्स के नाम से भी बुलाते हैं। सो हु आर दीज ऑपरेटिव्स। अब इसको थोड़ा सा बुक के कॉन्टेक्स्ट में भी अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट लाइन या फ्रंट लाइन मैनेजर्स, यानी ये जो सबसे लोअर लेवल के ऊपर आपको काम करते हुए नजर आते हैं, इसकी एक डेफिनेशन इस तरह से भी हो सकती है कि इनसे आगे सिर्फ आपको ऑपरेटिव्स मिलेंगे या नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज मिलेंगे, इनसे आगे मैनेजमेंट का कोई लेवल नहीं होता। सो मैनेजर्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज आर टर्म्ड एज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सो ये नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज के काम को ओवरसी कर रहे होते हैं और उन्हीं के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब इनके टाइटल्स आपको क्या नजर आते हैं, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ टाइटल, जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, या जैसे बाज़ूकात शिफ्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स और ऑफिस मैनेजर्स। सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम हमने बनाए हैं ना टाइटल्स, ये वेरी कर सकते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है शिफ्ट मैनेजर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर हो, लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट मैनेजर जो है वो एक फर्स्ट लाइन मैनेजर हो। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। सो इट्स जस्ट फॉर अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। देन हमें नजर आता है कि हमारे पास मिडिल मैनेजर्स कौन से होते हैं। मिडिल मैनेजर्स मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी कि ये देखें ना, अब ये इन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज को ओवरसी कर रहे हैं एंड कैन बी फाउंड बिटवीन द लोएस्ट एंड टॉप लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये मिडिल, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इनसे अबव एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट चला जाता है और इनसे लोअर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको नजर आते हैं। सो दे मे हैव टाइटल्स सच एज जैसे रीजनल मैनेजर्स, ये प्रोजेक्ट लीडर्स, स्टोर मैनेजर और डिविजन मैनेजर। अगेन वही बात करूंगा कि ये टाइटल्स वेरी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग हम इनको इसी तरह से लेकर चलते हैं।
और एट द अपर लेवल आपको क्या नजर आता है, यू मे फाइंड द टॉप मैनेजर्स। ये वो मैनेजर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजंस एंड एस्टैब्लिशिंग द प्लान्स एंड गोल्स दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से मैनेजर हैं, वो जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं, सो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिसीजंस लेते हैं। और यही बेसिकली ज़्यादातर आगे जाके हम देखेंगे कि प्लानिंग कौन से मैनेजर ज़्यादा करते हैं, तो टॉप मैनेजर ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग के अंदर, गोल सेटिंग के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इनको अगर हम देखें तो क्या टाइटल देंगे, सो दीज इंडिविजुअल्स टिपिकली हैव टाइटल्स सच एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो दीज आर द बेसिक नेम्स और टाइटल्स गिवन टू द टॉप मैनेजर्स। सो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, सम अप करते हैं, कुछ चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आएंगी। नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड टू गेट वर्क डन यूजिंग अ ट्रेडिशनल पैरामिड। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए पैरामिड है। सो पैरामिडल फॉर्म जो है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए नहीं बनाते, लेकिन सम ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लूजली कन्फिगर्ड विद वर्क डन बाय एवर चेंजिंग टीम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु मूव फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर एज वर्क डिमांड अराइज। सो आपको एक चीज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मिली वो ये कि जरूरी नहीं है कि पैरामिड की फॉर्म को तमाम ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हों, बाज ऑर्गेनाइजेशंस टीम बना सकती हैं। टीम हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब वो टीम किसी एक काम में इन्वॉल्व होती है, वो काम खत्म हुआ, दूसरी टीम दूसरे काम में चले गए, फिर तीसरे काम में चले गए। सो हम ये ट्रेडिशनल जो स्टाइल है हायरार्की का उसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते। सो इसलिए मैनेजमेंट हम कहते ही किसको हैं, मैनेजमेंट को हम कहते हैं एक आर्ट बेसिकली, क्योंकि ये इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चल रहा होता है। सो ऑल दैट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू टेल हु द मैनेजर्स आर इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, वी डू नो दैट समवन मस्ट फुलफिल दैट रोल, दैट इज समवन मस्ट कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी द वर्क ऑफ अदर्स, इवन इफ समवन चेंजेस एज वर्क टास्क प्रोजेक्ट चेंज or that someone doesn't necessarily have the title of manager. So somewhere हमें कहीं ना कहीं managerial activities ज़रूर नज़र आ रही होती हैं, चाहे वो formal आपको form में नज़र आए हैं या informal form में नज़र आए। So that's all about कि हम manager कौन होता है, the one who is responsible to oversee the work of others and responsible for the achievement of organizational goals। वो managers तीन levels पे हो सकते हैं, top managers, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और देन ऑपरेटिव्स जो कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि सिर्फ अपने काम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हमने अपने पहले लेक्चर में ये देखा था कि मैनेजर्स बेसिकली काम कहाँ पर करते हैं। सो मैनेजर्स बेसिकली काम एक जगह पे करेंगे, उस जगह को हमने क्या कह दिया, दैट इज टर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से करते हैं, दैट इज अ डिलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकॉम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लेकर चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा करेक्टरिस्टिक इसका आता है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, दे वर्क together। फिर तीसरी कंडीशन आती है, दे वर्क इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। और चौथी बात आती है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और मकसद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। सो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन बनाएं तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो तमाम मैनेजर्स जो हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पे काम कर रहे होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट मैनेजर्स वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। एक डेफिनेशन कहती है डिलिबरेट अरेंजमेंट, यानी हम खुद ये बनाते हैं, लोगों को इस अंदाज में सेट करते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस को अचीव कर सकें। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपकी कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे गूगल है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहें, सर्विस इंडस्ट्रीज, अगर हम अपने लोकल की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्रीज के हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जे डॉट क्या है,
एक फैशन ब्रांड है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. एंड दीज आर सम एग्जांपल्स जो कि आपको अपने अराउंड नजर आती हैं. अब देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की. पहली चीज आती है वो है दैट इज द डिस्टिंक्ट पर्पस. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको काम करती हुई दिखाई देती है तो उसमें पहली चीज आपको क्या नजर आएगी कि इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डिस्टिंक्टिव पर्पस, यानी उसका कोई मकसद आपको नजर आता है. ये हम कैसे कह सकते हैं, जैसे वो पर्पस क्या है वो उसके गोल्स से पता लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है. सेकंड आपको क्या नजर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोग नजर आएंगे, दैट इज द पीपल, पीपल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन. ये दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले आपको नजर आएंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर रहे हैं. दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स भी कहलाता है ये, इसको हम सिंपल अगर पीपल कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं. ह्यूमन एसेट्स भी इस लफ्ज के लिए यूज किया जाता है. सो बेसिकली ये लोगों वो हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं ताकि उनके गोल्स को अचीव किया जा सके. जैसे अगर किसी आप अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ले लें तो वहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जितना भी आपको टीचर्स नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स हैं, पीपल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. और तीसरी चीज़ जो आपको नज़र आती है वो है डिलिबरेट स्ट्रक्चर, कि हम लोगों को एक ढांचे में बांध देते हैं. जैसे अगर आप अपने डिपार्टमेंट को देखें तो आपको डिपार्टमेंटल हेड नज़र आता है, HOD. फिर इसके बाद आपको डिफरेंट सेक्शंस के, जैसे चलें यहाँ पर HR का एक हेड आ गया, मार्केटिंग के लिए आ गया, फाइनेंस के लिए आपको एक अलग बंदा जो है वो हेड कर रहा है, इसके अंदर डिफरेंट टीचर्स आ जाते हैं. सो ये आपको क्या नज़र आ गया, एक डिलिबरेट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है. जैसे अगर यूनिवर्सिटी को ले लें तो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स जो उनसे हैं वो किसी एक डीन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तमाम डीन्स वाइस चांसलर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए आपके पास रजिस्ट्रार मौजूद होता है, उसकी टीम होती है. सो दिस दीज आर द थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो इसको हम लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करने की कोशिश करेंगे. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली लव टू आंसर दोज. सो वंस अगेन थैंकिंग यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़.